फ्रेंड्स, आई एम स्वाति कौशिक, योर अनअकेडमी एजुकेटर। और दोस्तों, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के, उनको हम डिटेल सॉल्यूशन उनका देखेंगे। और दोस्तों, अगर अभी भी आपने अनअकेडमी ऐप डाउनलोड ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे को फॉलो करना ना भूलें, और मेरे को रेट रिव्यू रिकमेंड भी कीजिए, और अपना ट्रू फीडबैक मेरे को दीजिए। और दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के कुछ नए गेट क्वेश्चंस के साथ, और ये हमारा नेटवर्क थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस, और बहुत ही वेटेज होता है इस टॉपिक का, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें और इसके सारे गेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सबको सॉल्व करें और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग ये अपना टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। क्वेश्चन है 2002 में आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में पूछा गया है गेट एग्ज़ाम में। ये 2002 के गेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर द स्विच वॉज क्लोज्ड, दिस स्विच वॉज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ओपनिंग एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, द वोल्टेज वोल्टेज वी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस इज, क्या कहा है। ये इस तरह का कुछ सर्किट दिया है, इसमें रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स है, यहाँ पर इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस है, और ये एक स्विच गिवन है कि ट्रांजिएंट है तो स्विच गिवन है। और तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो वी एक्स है, ये 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो टी जीरो प्लस पर उसकी वैल्यू क्या होगी, और हमसे कहा है कि जो ये स्विच है ये टी जीरो पर खुल जाता है, ऐसे हो जाता है, ओपन हो जाता है ऊपर, और टी जीरो माइनस पर ये यहाँ पर कनेक्टेड ही रहेगा, मतलब डाउन पर डाउन रहेगा। जैसे टी जीरो होता है उस इंस्टेंट पर ये ओपन हो जाता है स्विच, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ हमसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन हमें यहाँ गिवन है, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, -50 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, क्योंकि जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है, जब हम 0 माइनस 0 प्लस ऐसे ऐसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0 माइनस पर जो इंडक्टर है और कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम जब 0 माइनस लेते हैं तो इंडक्टर को तो हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और कैपेसिटेंस को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस को ओपन सर्किट करेंगे उसके अक्रॉस तो हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं वी सी 0 माइनस, और जो इंडक्टर है उसको शॉर्ट सर्किट किया तो उसके अक्रॉस हम IL 0 माइनस करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ ये इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटेंस नहीं है, तो सिर्फ इंडक्टर को देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है, एट 0 माइनस स्विच वाइज क्लोज्ड, जो स्विच है वो ऐसे है, क्लोज्ड है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जब 0 माइनस एट इंस्टेंट 0 माइनस पर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम 0 माइनस यहाँ कर देंगे तो ये जो करंट है, जो फ्लो होगा, वो इस ब्रांच में IL में ही फ्लो होगा, तो हमें IL 0 माइनस 2.5 एम्पीयर मिलेगा, क्योंकि जो ये करंट है वो यहाँ से तो इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, तो जो करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस में फ्लो उसको प्रिफेयर करता है, जहाँ पर उसे कम रेजिस्टेंस मिलता हो। तो यहाँ पर मतलब फ्लो करेगा करंट ये 2.5 एम्पियर, और यहाँ से ये 20 ओम के अक्रॉस नहीं जाएगा, डायरेक्ट इस ब्रांच में फ्लो करेगा, तो IL 0 माइनस की वैल्यू हमें 2.5 एम्पियर यहाँ से मिल जाएगी, ओके। तो या इस तरह से अब हम देखते हैं कि हमारा टी जीरो प्लस पर क्या होगा, स्विच कैसा रहेगा। तो टी जीरो पर वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ था ना, ये तो टी जीरो पर ये ऐसे हो जा रहा है, मतलब ओपन हो जा रहा है। तो
यहाँ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और क्या करेंगे, जो ये इंडक्टर था टी जीरो प्लस पर, क्या करते हैं, जो इंडक्टर है उसकी जो अगर हमें करंट मिली है तो उसको करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। टू जैसे 2.5 एम्पियर हमें यहाँ करंट मिली, तो उसको हमने इंडक्टर को की जगह हमने 2.5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और हमें इसके 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना था। तो जब करंट इस तरह से फ्लो होगी तो हमें जो 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो हमें प्लस माइनस में मिलेगा, ओके। तो वी हमें मिलेगा 50 वोल्ट, बट हमें यहाँ पर वी एक्स जो अपोजिट इसकी पोलैरिटी गिवन है, तो इसलिए हमने वी एक्स को हमें जो होगा हमारा वो माइनस वी के इक्वल होगा। मतलब हमें जो हमें वी एक्स मिलेगा वो हमें माइनस 50 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करंट इस लूप में इस तरह से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वी, तो वो होगा प्लस माइनस। इस तरह से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर की साइड माइनस होगा, और तो तब तो हमारा 50 वोल्ट आ जाएगा। बट हमें पोलैरिटी जो क्वेश्चन में पूछी है वो इस तरह से दी रखी है कि प्लस माइनस, तो हम उसको माइनस करके लिखेंगे तब हमारा आंसर आएगा -50 वोल्ट, ओके। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन देखे, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस का क्वेश्चन था। और दोस्तों हम नए क्वेश्चंस कुछ नए लेक्चर में देखेंगे, पार्ट वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक एक दो दो क्वेश्चन करते चल रहे हैं लेसन वाइज। तो इस तरह से आप सभी लेसन्स देखिए, कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। और आप मेरे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड ना कर रखा हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और वहाँ पर मेरे को फॉलो कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जो भी मैं कोर्स अपडेट करूँ, ओके। और आप सभी कोर्सेज़ को एन्जॉय कर सकें। तो चलो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।